नमस्कार दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A13 और रेडमी नोट 11 के बीच एक फुल कंपैरिजन। दोस्तों दोनों ही फ़ोन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि किस फ़ोन में आपको बेहतर फीचर्स मिलते हैं, किस फ़ोन की डिस्प्ले बेहतर है और किस फ़ोन का कैमरा आपको बेहतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही सब आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी से। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करें Redmi Note 11 की, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन मिलती है, जो कि 90 हर्ट्ज के रेफ्रेश रेट और 400 प्लस PPI के साथ आती है। अब बात करें गैलेक्सी A13 की, तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS TFT डिस्प्ले मिलती है। इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट मिलता है और यह भी आपको 400 प्लस PPI के साथ देखने को मिलती है। अब बात करें दोनों फोन की डिस्प्ले की कलर क्वालिटी की, तो दोस्तों आपको दोनों की डिस्प्ले में कुछ इस तरह के कलर देखने को मिलेंगे। नोट 11 में आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प कलर देखने को मिलते हैं, इसके अलावा इसमें आपको डिटेलिंग भी अच्छी देखने को मिलती है। तो वहीं गैलेक्सी A13 में आपको एवरेज कलर टोन देखने को मिलती है, इसके अलावा डिटेलिंग आउटडोर कंडीशन में इतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती है जितनी कि नोट 11 में देखने को मिलती है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर रेडमी नोट 11 बेहतर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A13। अब बात करें दोनों ही फ़ोन के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन के बैक पर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलता है। गैलेक्सी A13 में आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है, तो Redmi Note 11 में आपको रफ फिनिश देखने को मिलता है। दोनों ही के बैक पर आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलती है। तो दोस्तों डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर दोनों ही फ़ोन आपको बेहतर देखने को मिलते हैं। अब बात करें दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की, तो सबसे पहले बात करें गैलेक्सी A13 की। इसमें आपको Exynos 850 ऑक्टाकोर CPU मिलता है, माली G52 GPU, Android 12 के साथ One UI 4.1 का सपोर्ट मिलता है। बात करें Redmi Note 11 की, तो इसमें आपको Snapdragon 680 ऑक्टाकोर CPU मिलता है, Adreno 610 GPU, Android 11 के साथ MIUI 13 का इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। दोस्तों हार्डवेयर के मामले में भी यहाँ पर आपको Redmi Note 11 ही बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो आपको CPU मिलता है वह Exynos 850 से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो दोस्तों Galaxy A13 की अपेक्षा आप Redmi Note 11 में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और हाई ग्राफिक्स पर गेमिंग प्ले कर सकते हो। अब बात करें दोनों ही फ़ोन के स्टोरेज एंड प्राइस की, तो गैलेक्सी A13 का 4GB 64GB वेरिएंट आपको 15,000 में मिलता है, तो वहीं Redmi Note 11 का 4GB 64GB आपको 13,500 में मिलता है। तो यहां पर भी आपको Redmi Note 11 इस स्टोरेज में आपको काफ़ी सस्ता देखने को मिल जाता है। अब बात करें दोनों ही फ़ोन के कैमराज की, तो सबसे पहले बात करें सैमसंग गैलेक्सी A13 के कैमरे की, तो इसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर साइज है f/1.8, 5MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, 2MP का डेप्थ और 2MP का इसमें आपको मैक्रो लेंस मिलता है। तो वहीं Redmi Note 11 में भी आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2MP का डेप्थ और 2MP का इसमें आपको मैक्रो लेंस मिलता है। दोनों ही फ़ोन से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात कर तो गैलेक्सी A13 में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, तो वहीं Note 11 में आपको 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। दोस्तों बात करें दोनों फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन में कुछ इस तरह की पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। नोट 11 की पिक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प कलर देखने को मिलते हैं, डिटेलिंग भी अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरे के मामले में नोट 11 ही आपको बेहतर देखने को मिलता है, चाहे फिर वो सेल्फी हो या फिर आउटडोर कंडीशन की पिक्चर्स हो। अब बात करें दोनों फ़ोन की बैटरी की, तो दोनों फ़ोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। फास्ट चार्जिंग की बात करते हो, गैलेक्सी A13 में आपको 25W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो वहीं Redmi Note 11 में आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो यहां पर भी आपको Redmi Note 11 बेहतर देखने को मिलता है। अब बात करें दोनों फ़ोन के कुछ अदर्स फीचर्स की, तो दोनों फ़ोन में आपको टाइप सी 2.0 और 3.5mm जैक देखने को मिलते हैं। बात करें स्पीकर की, तो Redmi Note 11 में आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, तो वहीं Galaxy A13 में आपको केवल सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। तो स्पीकर के मामले में भी यहां पर आपको Redmi Note 11 ही बेहतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों बस यही थे दोनों फ़ोन के कुछ स्पेशल फीचर्स जिन्हें हमने आपको यहां पर बता दिए। तो दोस्तों ओवरऑल कहें तो इस प्राइस रेंज में यदि आप दोनों फ़ोन में से किसी फ़ोन को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए Redmi Note 11 ही बेहतर रहेगा, क्योंकि Redmi Note 11 में आपको बेहतर डिस्प्ले, बेहतर CPU और इसके अलावा कई सारी फीचर्स भी आपको इसमें बेहतर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।